Okay, let's ask the cards who can be the winner that for the coming Bigg Boss. So we would say Sidharth, Rashmi, and do you have a personal choice? Asim. Alright. So two cards are mere unke. So what I understand from tarot cards is Sidharth Shukla is water energy. So jo wo feel karte hai. Asim basically I would say she's trying her best to control unki emotions. Rashmi. Not surprisingly, Rashmi bhi ek water element hai, but saath mein renewal ka card hai. Hello friends, aaj hamare saath mein Amrita Ganguly, jo ki bahut hi famous tarot card readers hai, wo unhone bade bade Bollywood celebrities ke tarot card read kiye hain, especially jaise Helen ji ho gayi aur bhi bahut sare bade bade celebrities ke. To aaj wo hamare saath mein Bigg Boss ka predict karengi. Rupali, sabse pehle to welcome to Telly Chaska. हाय अमृता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिग बॉस में जिस तरीके से सबके नेचर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ के हो गए, आसिम के हो गए, पारस के हो गए, मायरक, तो वो रश्मि का स्पेशली, क्योंकि उनका कभी एग्रेशन दिखता है, कभी कुछ, सेम सिद्धार्थ भी वही चीज़ दिखा रहे हैं हमें. तो आपको क्या लगता है कि जितना मतलब वो लोग दिखा रहे हैं, क्या वही उनका प्योर नेचर है या फिर वो लोग फेक प्रिटेंड कर रहे हैं? राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, हम कार्ड्स पुल आउट करके देखते हैं उनका कार्ड्स के हिसाब से क्या बोलते हैं, क्या ये उनके एक्चुअल नेचर्स है, आर दे प्रिटेंडिंग, व्हाट इज इट. ठीक है, सो फर्स्टली किसका देखें, किसका चेक किया जाए? ओके, सिद्धार्थ शुक्ला. आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट थ्रॉप है, काफ़ी फैन फॉलोइंग है, फीमेल फैन फॉलोइंग है, उनकी मेल फैन फॉलोइंग है. सो लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से अबाउट सिद्धार्थ. ओप्स. ऑलराइट, सो दो कार्ड्स हैं मेरे उनके. So what I understand from tarot cards is Sidharth Shukla is water energy. तो जो वो feel करते हैं, जैसा वो feel करते हैं वो वैसा ही emit करते हैं screen पे. अगर वो गुस्सा है या प्यार है या जो भी है, तो कोई filter नहीं है. तो ही इज़ वेरी नेचुरल. आई थिंक वही चीज़ उनके फॉर में भी वर्क करता है, उनके अगेंस्ट में भी वर्क करता है. फॉर में इसीलिए वर्क करता है क्योंकि इमोशनली आप उनको एज इज़ देख रहे हो, एंगर में भी एज इज़ देख रहे हो. सो इज़ अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी नेचुरल पर्सन आई थिंक ऑन स्क्रीन. सो या आसिम. आसिम, सो आई थिंक वील पिक अप द नेक्स्ट कार्ड फॉर आसिम. ओके, आई गेट अ थ्री ऑफ एयर फॉर आसिम. तो आसिम बेसिकली आई वुड से शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू कंट्रोल उनके इमोशंस कैसे हैं. पर क्या होता है, कई बार जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं सो चीज़ें छूट जाती हैं हाथों से. तो मे बी शी, आई वुडंट से वो पोर्ट्रे कर रही हैं, लेकिन वो ट्राई कर रही है कि वो बहुत एग्रेसिव ना हो, अच्छे से बिहेव करे. सो आई थिंक दैट्स अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मच. रश्मि, रश्मि उसका बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है. रश्मि इज टू कॉम्प्लिकेटेड, बट आई थिंक शी वॉज अ वेरी वेरी लाइक्ड एंड अ फेवरेट डॉटर, जो फिल्म टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में रह चुकी है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लव हर फॉर द वे शी इज, एंड आई एम श्योर इफ शी इज जेन्युइन इसीलिए उनको दैट काइंड ऑफ लव, दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मिलता है. सो लेट्स सी रश्मि. नॉट सरप्राइजिंगली रश्मि भी एक वाटर एलिमेंट है, बट साथ में रिन्यूअल का कार्ड है. सो नाउ टू थिंग्स ये डिपेक्ट करता है. वन, सिमिलरली वाटर एलिमेंट है, सो लॉट ऑफ इमोशंस दैट यू गेट टू सी, एंड शी इज़ ट्राइंग टू रिकूप उनके सर्टन सिचुएशन से जो उनको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कराता है, वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म हो या उनका बिहेवियर हो. सो बोथ, उनको इमोशनली जैसे है शी डजंट पोर्ट्रे, एंड ऑल्सो हर वॉन्टिंग टू कम आउट ऑफ सर्टन सिचुएशन और डिफेंस डिफेंड हर सेल्फ और वॉन्ट टू बी इन अ एक्स वे आउट ऑफ, आप अपने एक्सपीरियंसिस के वजह से एक एक्स टाइप ऑफ पर्सन होना सिलेक्ट करते हो कि मैं ऐसे बिहेव करूँगी, मैं ऐसे चलूँगी, ऐसे बोलूँगी. आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ that also. Aarti. Aarti again surprisingly is a water card, but then Aarti 5 of water hai. 5 ek aisa element hai, ek aisa number hai jo plan out karta hai ki hame kaise cheeze work karni hai, kaise plan karna hai, control rehna. I think Aarti has a more controlled
रिएक्शन टू थिंग्स. शी नोज़ हाउ टू बिहेव, कब पुल आउट करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है. तो आई थिंक शी इज़ मोर, शी इज़ अ मोर कंट्रोल्ड वाटर बिहेवियर इमोशनल ड्रिवन पर्सन. पारस इज़ अ मोर अर्थ एलिमेंट. ठीक है, यानी उनका बहुत बैलेंस्ड, बहुत कंट्रोल्ड बिहेवियर वो रखने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ हिज बेसिक नेचर. उनको पता होता है कि कब बैलेंस उनको बनाए रखना है, कब एग्रेसिव होना है. बट देर इज़ अ साइड ऑफ हिम जो बहुत एग्रेसिव हो सकता है. तो इफ़ ही इज पुश टू दैट कॉर्नर, वी ऑल्सो सी दैट साइड ऑफ पारस. बट आई थिंक मोस्टली उनका जो नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर हैज मोर अर्थली. सो आई वुड से इट्स मोर बैलेंस्ड, मोर कंट्रोल्ड. ही इज़ एबल टू टेक थिंग्स एंड ही इज़ एबल टू गिव सपोर्ट टू अदर पीपल जो उनके आस पास है. माहिरा ब्यूटिफुली अगेन both water cards. So again, Mahira is somebody who is very emotional driven. But when I say nine of water, she is somebody जो उनके life को practically handle करना पसंद करती है, चीज़ें पहले pre-planned करना plan करना पसंद करती है. उनका result एक तरीके से आए वो expect करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है. अगर चीज़ें डजेंट वर्क इन आवर फेवर, शी वो ऐसा नहीं है कि फटाक से डिप्रेस हो जाए फिर उनको एनालाइज. शी इज़ अ वेरी एनालिटिकल पर्सन इज व्हाट आई वुड से. ऑलराइट, शेफाली के लिए मेरे को दो कार्ड आया. दैट्स अवेकनिंग एंड किंग ऑफ एयर. अवेकनिंग एज एन वो अपने आसपास के लोगों से सीखती है बहुत ज़्यादा. एक एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट होना है, किसे कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है. अगर कभी कभी चीज़ें लाउड होनी चाहिए, कभी सॉफ्ट होना चाहिए, कभी अंडरटोन होनी चाहिए, उनको एग्जैक्टली पता होता है क्या करना है. प्लस उनका कम्युनिकेशन कैसे, किनको कैसे, कब कहाँ पे बोलना है, किस टोन में बोलना है. सो आई थिंक शी इज़ अ वेरी कंट्रोल्ड पर्सन एंड शी नोज़ कि उनको क्या चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट शी इज़. वाओ, इट लुक्स द एंटायर हाउस हैज़ गॉट अ डीप इमोशनल साइड टू देम. बट शहनाज ऑल्सो आई सी देयर इज़ अ किंग ऑफ फायर. सो नाउ व्हाट डज दिस कॉम्बिनेशन मीन. मतलब वो अपने इमोशन से डेफिनेटली एक कोर इशू है जैसे वो रिएक्ट करती हैं. बट किंग ऑफ फायर मतलब उनका जो एनर्जी लेवल है, उनका मतलब वो अगर किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेती है, शी नोज़ कि उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है. सो एक बहुत ही ब्यूटिफुल बैलेंस है जहाँ पे वो इमोशनल ड्रिवन भी है बट वो काम भी उतना कर सकती है, एनर्जी भी उनकी वैसी है और एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती हैं. सो दैट इज़ व्हाट माय कार्ड्स वुड टेल मी. लास्टली विशाल. Vishal is a wheel of fortune, which I say, and four of air. So what does it mean? Wheel of fortune is aisa person who knows ki mujhe kya karna hai, and he knows that things change. And somebody who is very happy with the change, somebody who is very, unko change bahut acha lagta hai, wo change ke sath adapt kar sakte hai, wo unko pata hai the only thing that is constant is change. Aur unko pata agar mujhe grow karna hai, mujhe different cheeze experience karni hai, to change ek aisi cheez hai jisko mujhe accept karna padega. So that is what Vishal is. But definitely he likes good communication, good reading, good knowledge. That's the kind of person Vishal is. उनको अगर कोई अच्छा communication आप दे सके, अच्छी knowledge आप उनके साथ share करें, he will be very interested in having a communication. I think that's the kind of person he is. Madhurima, of course. I think we've had a very interesting side of Madhurima that most of us saw in the dance program that she did lately. And of course, they were an amazing dance pair. What do you think? Did you like them in the dance program? Yeah. So yeah, as I see Madhurima, what we could see in the dance program, she is an earth element. Of course, she plans
the way she wants to be, the kind of image that she wants to portray, how much matlab wo decide karti hai ki mera how much I would want to share with people or how much I would not. So she has a very clear line ki ye mera personal space hai, ye mera space for other people hai, this is what I would want to. Agar gussa hai, anger hai, partner ke saath ho, friend ke saath ho, kisi ke bhi saath ho, she's not somebody jo just randomly rashly jaake किसी को भी कुछ भी बोलने की, पहले वो एनालाइज करेंगी, वो शी विल टेक हाउ मच एवर शी कैन. और मे बी अगर उनको बात भी करना हो तो बहुत सटली नाइसली शी विल गो एंड पोर्ट्रेट. सो या दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन शी इज. तो आपके हिसाब से ऐसा कौन आपको लगता है कि जो टॉप थ्री में जा सकता है? I think Sidharth is one person that I see, and Asim is another person that I would say these are the top two people I think I would like. And how much I have connected to Rashmi personally through her, whatever I've seen her on the screen, I think another person that I would like to nominate is Rashmi. And who can be a winner? Okay, let's ask the cards who can be the winner that for the coming Bigg Boss. So we would say Sidharth, Rashmi, and do you have a personal choice? Asim. Mostly, I think it should be either Sidharth or Asim. One of the two, I think, have got very strong chances of winning. Like my next question is like most of people can't reach to you. Right. Yeah. So any tips for them? So people who can't reach out to me, please follow a very beautiful morning regime. Morning regime कुछ नहीं है, जो basic चीज़ है आप सुबह उठते ही करते हो. हम basically हमारे life में जो देखते हैं भागते, हम जैसे ही उठते हैं हम घड़ी देखते हैं और भागना शुरू करते हैं. ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, खाना बनाना है, whatever. तो अगर आप आधा घंटा जल्दी उठे, ओके, आप अपने हैंड्स रब कीजिए, आप बोलिए आपको क्या चाहिए और आप उसको फेस पे लगाइए. हम फेस पे क्यों लगा दें? ताकि वो एनर्जी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए. ओके, सेकेंडली आप ये कीजिए कि आप 2 से 3 मिनट 5 मिनट मेडिटेट कीजिए. उससे अपनी एनर्जी जो है आपकी काम डाउन होती है, कंट्रोल में आती है. तो आप चीज़ों को रैंडमली आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. यू विल हैव बेटर प्रोडक्टिविटी एनर्जीज. तो ये सारी कुछ चीज़ें कीजिए. आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, उसमें क्या एनर्जी. आप पानी कंट्रोल्स इमोशन, इट हैज़ इमोशन. वो इमोशन आपकी बॉडी में जाती है. तो आप हैप्पी इमोशंस पानी में डाल रहे हैं, गुस्से से भी पानी पी रहे हैं क्योंकि मेरे डाइटिशियन ने बोला है कि आई हैव टू हैव 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, इज़ दैट द स्टोरी. और यू आर हैप्पीली ड्रिंकिंग. ये अगर खाना पानी रजीम्स आप देखें, स्ट्रेस लेवल्स आपके कंट्रोल में है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हुए मेडिटेट कर रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं, दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प. जो भी घर में कंटेस्टेंट है, अगर वो घर से निकलते तो उनका फ्यूचर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? फ्यूचर इन द सेंस लाइक ईच वन ऑफ देम आई थिंक कम फ्रॉम वंडरफुल बैकग्राउंड. सम ऑफ देम आर एक्टर्स, सम ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. आई थिंक दे ऑलरेडी नो दैट अगर मैं ये बिग बॉस एक्स प्लान की वजह से कर रहा हूँ, आगे मेरे और भी प्रोजेक्ट्स है. सो आई थिंक दे आर फेयरली प्लान्ड अबाउट उनको आगे क्या करना है वंस दे आर आउट ऑफ बिग बॉस, एंड दे विल फॉलो देयर. सो लास्टली हम जानना चाहेंगे आपके वेबसाइट पे जहाँ पे आपको लोग रीच कर सके आपसे. मेरा वेबसाइट का नाम है इनर सोल थेरेपी. आप मुझे कभी भी, यू कैन गो लॉग ऑन टू द वेबसाइट, और माय नंबर्स आर फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल. यू कैन गो गूगल आउट माय नेम इज़ अमृता गांगुली, माय कंपनीज़ नेम इज़ इनर सोल. प्लीज़ रीच आउट टू अस इफ़ यू थिंक यू नीड हेल्प और यू जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू अ फ्रेंड. वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू. थैंक यू सो मच अमृता फॉर टॉकिंग विद अस.